जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी प्रत्याशी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभा कर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सभी प्रत्याशियों के परिवार वाले भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी के चलते ज्वाली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया की धर्म पत्नी बबीता गुलेरिया भी अपने पति के लिए प्रचार प्रसार करने में किसी से कम नहीं है। आज कहारिया में संजय गुलेरिया की धर्म पत्नी वो उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा कर भाजपा की जल कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को बताया और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। बबीता गुलेरिया ने बताया कि वह जहां जहां भी जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ज्वाली भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने ज्वाली विधानसभा की समस्त जनता से अपील किया कि बेसवार भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया को भारी बहुमत से विजय बनाकर विधानसभा में भेजें। हम आज अपना पुनः प्रचार करने के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं। हमारा जो प्रचार है हर पल तीव्रता से अग्रसर होता जा रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़त दिलाकर अपने प्रत्याशी को विधानसभा में पहुँचाएं। सौभाग्य से वो मेरे पति हैं और हम उनका सहयोग और एक कर्मठ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी हम ये कार्य करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें बहुत ही सुखद अनुभव होता है, लेकिन प्रतिक्षण हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी जितनी हम लोगों को अपने संग ले चलें उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें हमारा जो यात्रा हमारी और सरल और सहज हो जाती है जब हमारा, जैसे हाल ही में हमारा जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया है उसमें अनेकों अनेक चीज़ों का जो जनता के लिए जो चीज़ों का उन्होंने डाली है, जैसे लड़कियों के लिए हाल ही में स्कूल जाने वाली लड़कियां जिनका स्कूल दूर है उन्हें साइकिल दी जाएगी, जो बच्चियां बहुत दूर उनका कॉलेज है उन्हें स्कूटी से उनका सहयोग किया जाएगा। फिर जैसे हम मोदी जी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो किसान के लिए किसान स्वाभिमान निधि दी जा रही है उसको और सशक्त किया गया है कि प्रदेश की सरकार भी 3,000 और देगी और उन्हें 9,000 प्राप्त होगा। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हर जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं उन्हें सबका ध्यान रखकर ये संकल्प पत्र बनाया जा रहा है। और हमें पता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है जो जन कल्याण के बारे में सोचती है, जनता के हर पक्ष का ध्यान रखती है और ये समूचा हमारा विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, ऐसा हमारा संकल्प पत्र है। और हमारे लोगों को मैं चाहती हूँ कि मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहती हूँ कि आप जो ज्वाली क्षेत्र के आपके यहाँ के प्रत्याशी हैं वो बहुत ही सेवा में निवृत्त रहते हैं, हर पल आगे बढ़ते रहते हैं, सेवा उनका एक अपना स्वभाव में है। तो हम सबको वोट की अपील करते हैं कि ढेर सारा वोट आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और आपका प्रत्याशी यहाँ से भारी मतों से जीते और वहाँ विधानसभा में जाकर आपका पक्ष रखे और आपके लिए अपने सारे कार्यों को तीव्र गति से यहाँ पे सुचारू रूप से कर सके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नगरोटा सूर्य से प्रेम स्वरूप की रिपोर्ट।